बघेल जी ने अपना बजट पेश कर दिया है, और इस बजट को अगर समझे तो बजट अक्सर जब पेश किया जाता है तो कहा जाता है कि जेंडर बेस्ड बजट है, यूथ बेस्ड बजट है। इस बार लग रहा है कि रूरल बेस्ड बजट है, क्योंकि आप माटी पुत्र हैं, कृषि क्षेत्र से आते हैं, तो लिहाजा आपने पहले ही सोचा था कि इस तरह का बजट लाया जाए जिसमें किसानों का विकास हो और 2.5 गुना अधिक कृषि क्षेत्र के लिए रखा जाए। देखिए, छत्तीसगढ़ में 75% लोग गाँव में रहते हैं, तो गाँव के लोगों को यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो बजट अधूरा रहेगा, और इसलिए पूरा जो फोकस है वो गांव के लोगों के अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए है। चाहे ऋण माफी हो, चाहे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, चाहे जल कर के माफी की बात हो, चाहे तेंदू पत्ता संग्रहण करता है उसके उसके 2500 से लेके 4000 करने की बात हो, ये सब बातें ये है कि उनके लोगों के पास उसके अर्थव्यवस्था सुधरेगी, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, और जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो व्यापार तो अपने आप बढ़ेगा। अक्सर ये कहा जाता है कि जब बजट बनाया जाता है तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को बैलेंस करने की कोशिश होती है। कहा यह जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर काफी फोकस कर दिया गया है, सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा सा दबा हुआ है, और टर्शियरी सेक्टर में बहुत कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। आपका बेस यदि खराब है तो ऊपर मकान कैसे टिकेगा, इसलिए हम जो बेस है, आधार है, उसको मजबूत हम लोग कर रहे हैं, फिर बिल्डिंग तो अपने आप बढ़िया बनेगा, फिनिशिंग भी बढ़िया। मैं मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के इन 18 सालों में जो बेस पर काम होना चाहिए तो काम नहीं हो पाया। बिल्कुल सही आपने कहा कि 18 साल में देखिए छत्तीसगढ़ को जो हमारे पूर्वों ने छत्तीसगढ़ राज मांगा था तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के किया था। छत्तीसगढ़ में सब कुछ है, लेकिन आज गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो यदि उसको आप रोक नहीं पाए, लोगों के आय नहीं बढ़ा पाए, तो फिर छत्तीसगढ़ 18 साल बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ तो वही है। मानव सभ्यता का भी जब निर्माण होता है, चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता देखें, वहाँ पे अगर शहरों के विकास को भी देखें तो जो आपकी सोच आज दिख रही है, नाली का निर्माण किया जाए, पशुओं के लिए चारे का वो, तो ये सारी बेसिक चीजें जो थी शायद जिसकी अनदेखी होती रही। देखिए छत्तीसगढ़ में खुले में मवेशी रहते हैं, इसकी गलत परंपरा रही है। यदि मवेशियों को घेरे में करके उसके चारा पानी की व्यवस्था कर दें, छाया की व्यवस्था कर दें, तो वो खेत के घेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गांव में मान लो 1000 एकड़ जमीन है, तो 1000 एकड़ को घेरने की जरूरत नहीं है, केवल 3 एकड़ को घेर कर रख दें और वहां मवेशी को पानी चारा की व्यवस्था कर दें, शेड बना दें, तो हमको खेत की सुरक्षा करने की जरूरत, कितना फर्क पड़ेगा किसानों को। दूसरा ये है, आज पर्यावरण की बात करते हैं, दिल्ली में कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि ये गैस चैम्बर बन गया है। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आसपास के प्रदेशों में फसल काटने के बाद जो पैरा है उसे जला देते हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जलाया जाता है, हम वो पैरा इकट्ठा करेंगे और उसे कुट्टी काटेंगे, सानी बनाएंगे, मवेशियों को खिलाएंगे, तो जहाँ पर्यावरण सुधार होगा वहाँ मवेशियों को चारा की व्यवस्था हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि उसे आर्थिक बनाना है तो वहाँ गोबर गैस प्लांट डाल देंगे, सस्ता ईंधन मिलेगा उन लोगों को भोजन पकाने के लिए, और वहीं आप कंपोस्ट खाद की यूनिट डालेंगे तो लोगों के खेतों को आप गोबर खाद कंपोस्ट खाद देंगे, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, कृषि लागत कम होगा, और ये सारे प्रक्रिया में कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसमें एक बात अक्सर आती है कि किसानों का जो पैदावार है उनका वाजिब मूल्य मिलना, क्योंकि बिचौलिया अक्सर ये देखा जाता है, चाहे वन क्षेत्र में जो तमाम फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसको देख लिया जाए, चाहे कृषि क्षेत्र में बिचौलियों का काफी दबदबा रहा, लिहाजा किसानों को उनका वाजिब मूल्य, आपने तो करीब 2500 का समर्थन मूल्य देने दे ही रहे हैं, उससे एक बहुत बेहतर परिवेश बनेगा, बिचौलियों को किस तरह से कम करें। देखिए पैसा सीधा किसानों को मिल रहा है, दूसरी बात ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों का उत्पादन जबरदस्त होता है, बस्तर में इमली पैदा होता है लेकिन आपका कोई फैक्ट्री प्लांट नहीं है, बस्तर में मक्का भी आजकल खूब उत्पादन कर रहा है लेकिन आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है जो कार्न से जुड़े हुए, तो इन चीज़ों को हम लोग लगाएंगे तो उससे किसानों को लाभ भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, व्यवसाय भी आगे फलेगा फूलेगा। मध्य प्रदेश में कई जगह देखा है कि कुछ कृषि सेक्टर से जुड़ा हुआ कुछ मॉल टाइप का जहाँ रखा बनाया जाता है, जहाँ पर किसानों के सामानों को बेचा जाता है, इस तरह की पहल होने की जरूरत है। देखिए जो कृषि उत्पादन हो रहा है उसके बाजार की आवश्यकता है, उसे मतलब प्रिजर्व भी करने की आवश्यकता है और बाजार भी देने की जरूरत है। टमाटर हम लगा देते हैं लेकिन हमारे पास कोई
उसको परिवहन करने के कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, पत्थरगांव में ऐसी स्थिति नजर आती है। हाँ, तो वो बाहर भेजना है तो उसको सुरक्षित ले जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उस दिशा में लोग आगे बढ़ें, वहाँ प्लान भी डालें ताकि ताकि टमाटो केचप वगैरह जो बनाने सॉस बनाना है वो सब बने। तो एक तरफ किसानों को ये विश्वास रहेगा कि हमको ये मिनिमम हमको आय हो ही जाएगा, दूसरी तरफ उस प्लान को भी ये रहेगा कि हमारे पास रॉ मटेरियल मिल जाएगा और बाजार बनाने का आवश्यकता है, बाजार देने का आवश्यकता है। तो ये सब मिल करके व्यावसायिक दृष्टिकोण हम हमारी सरकार उठाएगी जिससे लोगों को लाभ मिल सके। जब आप बजट पेश करते, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जब आप बजट पेश करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे थे, मैंने बिचौलियों की बात की, लेकिन उनका ये कहना था कि कांग्रेस की सरकार बिचौलियों के हस्तांतरण दबी हुई है, इसको आप किस तरह देखते? ये अजीब इत्तफाक है कि प्रधानमंत्री जी इस बात को रायगढ़ में बोले। आपको याद होगा साल भर पहले उसी रायगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि एक साल कमीशन खोरी बंद कर दें, हमारी सरकार 30 साल तक कोई हमको नहीं हटा सकता हमारी पार्टी। तो कमीशन खोर तो भारतीय जनता पार्टी में है, इस बात को उसके पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है उसी जगह पे। तो नरेंद्र मोदी जी को वो दूसरे घर ना देखें, अपने घर देख लें, उसको कमीशन खोर और बिचौलिए सब मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साधन से बात करने के लिए। तो गढ़वो नया छत्तीसगढ़ परिकल्पना के साथ में यहाँ पे भूपेश बघेल जी ने अपना बजट यहाँ पे पेश किया। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ तारके गांधी, साधना न्यूज रायपुर।